हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके बायोलॉजी ट्यूटोरियल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 2018 का जो नया एडिशन है बायोलॉजी का, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड हुए हैं और कुछ डायग्राम्स में चेंजेस आई हैं, डायग्राम्स ऐड हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे हम प्रियॉन्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th का, उसमें वायराइड्स के बाद टॉपिक था लाइकन, बट उन्होंने अब नया टॉपिक ऐड किया है प्रियॉन्स का। अगर आपने चैप्टर 10th क्लास 12th का बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में स्टडी किया होगा, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो वहाँ पे लिखा है कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। प्रियॉन्स होते हैं प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने भी यही दिया है कि ये क्या करते हैं, इन्फेक्शियस कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज कॉज करते हैं। ठीक है, हमारे नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और ये काऊ में भी होती है, ठीक है, और जो हमारे कैटल्स वगैरह हैं उनमें भी होती है, और ये ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है। चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से देखिए वहाँ पे। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, द एजेंट वॉज सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस। इन्होंने कहा है कि अब जो मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया है कि जो सर्टेन न्यूरोलॉजिकल इन डिजीज़ हैं वो किस ट्रांसमिट हो रही हैं, ठीक है, बट वो है किसकी बनी है, ठीक है, वो किसकी बनी है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और वो सिमिलर किसके साइज़ के होते हैं, वायरस के साइज़ के। ठीक है, तो वो ट्रांसमिट होते हैं और वो कौन सी डिजीज़ काज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ काज करते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इन्हीं एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नोटेबल डिजीजेज देखी गई हैं प्रियॉन्स की वजह से वो कौन कौन सी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिफेलोपैथी ये किस किस में होती है, कैटल्स में होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैड काऊ डिजीज़। ध्यान से देखिए मैड काऊ डिजीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, और ये ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स में इनको क्या बोलते हैं, CJD, क्रूजफेल्ड जेकोब डिजीज़। आप क्रूजफेल्ड के स्पेलिंग नेट पे देख लेना, उसके बाद ये हमें याद रखना है। और उसके बाद कैटल्स में कौन सी होती है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिफेलोपैथी। चलिए अब देखते हैं लाइक वायराइड्स को भी देख लेते हैं, रिविजन हो जाएगी। 1971 में टीओ डाइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो वायरस की स्टडी हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन से हमने कहा, टीओ डाइनर, उन्होंने एक और इन्फेक्शियस एजेंट देखा जो सिमिलर कैसे थे, वायरस की तरह थे, और वो कौन सी डिजीज़ काज करते थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये हमें याद रखना है। और इनमें क्या होता था, फ्री आरएनए होता था बट उनमें प्रोटीन कोट नहीं होता था, जो वायरस में प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, हम जानते हैं वायरस जो कैस्पिड होता है उसमें क्या होता है, वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बट इनमें क्या होता है, जो वायराइड्स होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल सॉरी जो जो प्रोटीन कोट है वो इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये हमें याद रखना है। और जो आरएनए होते हैं वायराइड्स का वो क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ये हमें याद रखना है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं। वायराइड का मीनिंग क्या होता है, वायरस की तरह, ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद लाइकन्स भी दिया हुआ, चलिए लाइकन्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स क्या होते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है किसकी, एल्गी और फंजाई की। एल्गल कंपोनेंट को क्या हम क्या कहते हैं, फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हम माइकोबायंट, ये हमें याद रखना है। और हमें ये याद रखना है कि एल्गल कंपोनेंट क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई क्या करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। और हमें क्या याद रखना है कि जो लाइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, ये हमें याद रखना है। और किसके लिए पॉल्यूटेड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।